Good afternoon, students. Myself, Basbindu, your bio teacher. And here is your lecture number 5, class 11th. Okay. This is part A. And today we will discuss only one part. But in your last class, in previous section, we have discussed about your various branches of biology. Okay. You have to learn that. आपको याद करना पड़ेगा उसके बारे में एंड यू मस्ट राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो फेयर नोटबुक में उसको लिखना है ठीक है और लेट्स बिगन विद योर लेक्चर सो हेयर आर सर्टेन फादर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ठीक है जो भी ब्रांचेस हमने डिस्कस की है कुछ नई ब्रांचेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी उन ब्रांचेस में कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया ठीक है ना तो उनके बारे में हम जानेंगे और उनको याद भी करना है आपको कई बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ठीक है सो फॉर हेयर एंड दैट साइड आई हैव रिटन सब्जेक्ट एंड दिस साइड आई हैव रिटन साइंटिस्ट ओके तो फर्स्ट वन इज योर मॉड देखो इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड फोर नेम ओके फादर ऑफ बायोलॉजी हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टॉटल and who is father of botany Theophrastus and who is father of zoology again Aristotle theek hai and who is father of microbiology mujhe batana reply karke theek hai na to hum baat kar rahe the what jo hai alag alag fathers ki to wo maine mention nahi kiya because aapne pehle hi likh chuka hai ठीक है ना सो फर्स्ट वन इज मॉडर्न बॉटनी हमने बॉटनी के फादर की बात की थी थियोफ्रेस्टस थे बट धीरे धीरे जैसे जैसे बॉटनी में डेवलपमेंट हुआ तो आज के दिन मॉडर्न बॉटनी जो है इनके इसके अंदर जो मेन साइंटिस्ट थे दैट वाज लीनियस ठीक है सो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज लीनियस एंडोक्राइनोलॉजी ये ब्रांच हमने डिस्कस नहीं की थी एंडोक्राइनोलॉजी आपने 10th क्लास में एक जो है सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का और वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं कुछ ठीक है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो केमिकल यानी कि हॉर्मोन सिक्रीट करती हैं तो उनकी पूरी जो स्टडी होती है कौन सा हॉर्मोन कहाँ कैसे क्या सिक्रीट होता है क्या फंक्शन होता है एवरीथिंग ठीक है दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड इनके फादर कौन है थॉमस एडिसन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट इज योर इम्यूनोलॉजी ठीक है तो इम्यूनोलॉजी क्या है इम्यूनोलॉजी इज जस्ट योर स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ योर इम्यून सिस्टम ठीक है इम्यून सिस्टम क्या होता है आपकी बॉडी में डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है दैट इज इम्यून सिस्टम ठीक है तो इम्यूनोलॉजी क्या है ब्रांच है जहां पे हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं ठीक है ना तो वहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नाम कई बार आता है एडवर्ड जेनर आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर 12th क्लास के अंदर ठीक है तो एडवर्ड जेनर इन्होंने जो है वैक्सीन की डिस्कवरी की थी सबसे पहला जो वैक्सीन बनाया था उसकी डिस्कवरी की थी क्या होता है वैक्सीन हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे ठीक है ना तो एडवर्ड जेनर जो है ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी नेक्स्ट इज एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी हमने पढ़ा था ठीक है क्या होता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स जहां हम कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स की स्टडी करते हैं वहां पे पेटर डी क्रेसेंजी ठीक है ये इनके फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहलाएंगे नेक्स्ट इज जेनेटिक्स आपने 10th क्लास में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है और दैट पर्टिकुलर ब्रांच विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ठीक है ना उसको क्या कहते हैं हम जेनेटिक्स कहते हैं और आप सभी ने पढ़ा हुआ है कौन थे ग्रिगोर जॉन मेंडल ठीक है मॉडर्न जेनेटिक्स की जहां तक बात है तो मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर हम जो है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी काउंट करते हैं यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन ठीक है आगे बात समझ में नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के फादर कौन है पहले हमें पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी है क्या अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ठीक है उसको कहेंगे तो देखो इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है उसकी फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था बट द मेन वॉज ईओ विल्सन ठीक है सो ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट इज साइटोलॉजी ठीक है साइटोलॉजी हम अपना पहला ही चैप्टर हमारा पहला ही जो यूनिट हम कवर करेंगे दैट इज साइटोलॉजी ठीक है ना तो साइटोलॉजी से आप जो है इसको क्या है स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सेल की कंपोजिशन लगा लो, सेल का स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, एवरीथिंग. ठीक है, तो हम जो है साइटोलॉजी के जो फादर हैं, दैट इज रॉबर्ट हुक. सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, ही वॉज ऑब्जर्विंग हिज माइक्रोस्कोप. ठीक है, और वहां पे उन्होंने कॉर्क सेल को देखा था, कॉर्क की स्लाइस को देखा था जिसमें उन्होंने सेल देखे थे सबसे पहले. तो ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइटोलॉजी. नेक्स्ट इज माइकोलॉजी. बताया था मैंने आपको माइकोलॉजी क्या होता है. क्या होता है माइकोलॉजी? माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई. ठीक है, अभी तक एक भी बच्चे ने मुझे रिप्लाई नहीं किया है कि लाइकेन्स क्या होते हैं. मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूछा था, और फर्स्ट या तो सेकंड लेक्चर में मैंने पूछा था लाइकेन्स क्या होते हैं, और अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझे जो है नहीं बताया मैम लाइकेन क्या होता है. कोई बात नहीं, जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मैं भी नहीं बताऊंगी. एटलीस्ट आता है तो भी, नहीं आता तब भी आपने एक बार भी पूछा भी नहीं कि मैम लाइकेन क्या होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देख रही हूँ, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं भी आंसर नहीं करने वाली. सो माइकोलॉजी, दैट इज सर डेटरिच ब्रेंडिस. नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 11th क्लास के अंदर. देखो 5 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, उसमें से जो लास्ट की 2 यूनिट हैं, एक प्लांट फिजियोलॉजी है जिसमें 5 चैप्टर है, और एक है ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें 7 चैप्टर है. आगे बात समझ लीजिए, यानी हाफ ऑफ योर सिलेबस इज कवर्ड बाय फिजियोलॉजी. एंड फिजियोलॉजी मैंने बताया था फंक्शनिंग ऑफ वेरियस या अकरेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैसे फंक्शन कर, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर लाइफ प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं. ठीक है, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसे क्या कहेंगे हम फिजियोलॉजी. हमारी बॉडी में कैसे कोई ऑर्गन काम कर रहा है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी. जैसे लीवर की फंक्शनिंग क्या कहलाएगी, हेपेटिक फिजियोलॉजी, या लीवर की फंक्शनिंग फिजियोलॉजी ऑफ लिवर, ऐसे भी बोल सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इंडियन पैलियोबॉटनी. तो पैलियोबॉटनी हमने बताया था किसको कहेंगे, जब हम फॉसिल्स की स्टडी के से जो है लाइफ हिस्ट्री देखते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की. अगर बॉटनी है तो प्लांट्स की, और अगर जूलॉजी है तो एनिमल्स की. तो इंडिया के अंदर बेसिकली, वैसे तो हम वर्ल्ड वाइड देखे तो काफी साइंटिस्ट रहे, बट इंडिया के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा काम किसने किया था, बीरबल सहानी. ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज इंडियन फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी. नेक्स्ट इज सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी. तो यहाँ पे जो फादर है दैट इज कॉलरिटर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनाटॉमी. ठीक है, अनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बायो की, और नॉर्मली यूज की जाती है. तो अनाटॉमी का मतलब क्या है, जब आप किसी बॉडी पार्ट को कट करके और उसके टिश्यूज देखते हैं, आप उसके अंदर सेल्स देखते हैं. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आप एनालाइज करते हैं, दैट इज एनाटॉमी, और बिना काटे करते हैं तो मॉर्फोलॉजी. तो देखिए, आपकी बुक के अंदर जो सेकंड यूनिट है, 11th क्लास में जो सेकंड यूनिट है, वहां पे हम एक तो चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी का. ठीक है, प्लांट एनाटॉमी, और एक चैप्टर है सेकंड यूनिट में ही एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. वहां पे हम कॉकरोच पढ़ेंगे. ठीक है, जहां पे हम एनाटॉमी देखेंगे अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स की. ठीक है, और एक यहाँ पे हम टिश्यूज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज हैं. ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर एनाटॉमी. ठीक है, तो एनाटॉमी के जो फादर थे दैट इज हीरोफिलस. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. हेयर आर सम अदर्स, इथोलॉजी. ठीक है, इनके कौन है, कॉनार्ड लॉरेंज. नेक्स्ट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन मैंने बताया था, नहीं बताया अभी तक आपको, बट आपने पढ़ा होगा है ना. क्या पढ़ा है, म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंज. आपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ा है ना कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की के अंदर अगर कोई अचानक से सडनली कोई चेंज आ जाए जो कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हो. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशन बोलते हैं. तो म्यूटेशन के जो फादर माने जाते हैं ह्यूगो डी वरीज. हम म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी क्या होता है,
ब्रांचेस देखो याद तो करनी पड़ेंगी, है ना। सो फाइकोलॉजी इज योर स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फाइकोलॉजी, ठीक है। तो इनके जो फादर माने जाते हैं दैट इज ओपी आयर एंगर, एंगर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो आप सभी को पता होगा इंजीनियर क्या होते हैं, क्या काम होता है इंजीनियर का, किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज से उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको निकाल के और वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी फील्ड, ठीक है। किसी भी चीज में जो है हम उसके पार्ट्स को जोड़ तोड़ के और नया बना देते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, इंजीनियरिंग, यही तो होता है इंजीनियरिंग। और जब ये सारे काम हम किससे कर रहे हैं, जीन्स के बेस पे कर रहे हैं, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए के डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए क्या, डीएनए का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, कोई प्रोटीन कोई एंजाइम कुछ भी बना सके, उसको क्या कहते हैं हम, जीन्स कहते हैं। पढ़ेंगे हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल से, बट जब हम इंजीनियरिंग जीन्स के लेवल पे करते हैं, मान लो जैसे आपके पास जो है टोमेटो है, ठीक है, और टोमेटो के अंदर क्या है कि बहुत जल्दी टोमेटो खराब हो जाता है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टोमेटो के खराब होने का मेन रीजन है क्या, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक ऐसी एंजाइम होती है कि जो उस टोमेटो के जो पील है, ठीक है ना, जैसे ही वो एंजाइम एक्टिवेट होती है तो वो क्या करती है, वो पील को क्या कर देती है, डीकम्पोज कर देती है और टोमेटो खराब हो जाता है। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे जीन को आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसे कौन सा जीन है जिससे ये एंजाइम बन रही है, ठीक है। फिर क्या किया गया, हमने देखा कि इस एंजाइम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ ऐसा, एक और ऐसा जीन उसमें डाला या कुछ ऐसा डाला जिससे क्या हुआ, वो एंजाइम इनएक्टिव हो गई, ठीक है। अब क्या है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कैसा भी एनवायरमेंटल, कैसा भी आपका एनवायरमेंट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या क्या नहीं होगा, वो एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होती और जो टोमेटो है वो बिल्कुल जो है सेफ है, अब वो टोमेटो खराब नहीं होते जल्दी से, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सी एंजाइम होती है, क्या किया जाता है। तो इस तरीके से जब हम जीन्स के लेवल पे किसी चीज को जो रेनोवेट कर रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज डिफाइंड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बॉल बर्ग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी आएगी 12th क्लास में 4th यूनिट, ठीक है, दो चैप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ पे हम वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा, और जो है डॉक्टर चरक इसके जो है फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट इज पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन की जो डिस्कवरी है वो जॉन सैक ने की थी, ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। टैक्सोनॉमी अभी हम आगे पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी क्या होता है, वहां जहां पे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर रखते हैं, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर ब्रांच क्या कहलाती है आपकी, टैक्सोनॉमी, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन देन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहेंगे हम, टैक्सोनॉमी। तो वहां पे कार्ल्स लिनियस, ठीक है, कार्ल्स लिनियस। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक एम्ब्रियो का पीरियड रहता है और उस दौरान जो है पूरी डेवलपमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो वहां पे सबसे ज्यादा काम एरिस्टोटल ने कहा था। देखो एरिस्टोटल ने तीन काम किए, मतलब तीन ब्रांचेस के फादर हम इनको रिगार्ड करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड देन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप्स में सबसे ज्यादा काम जो है मार्सेलो मेल्टिंगी ने किया था। नेक्स्ट इज ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हमें बताया था विलियम हार्वे ने, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिसिन के जो फादर है हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से है ब्लड ग्रुप आपके सब्जेक्ट में। कार्ल्स लैंडस्टीनर, ठीक है, ये चीजें याद कर लेना, जब जब जो जो टॉपिक आएगा मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो अलग अलग बैक्टीरिया के टाइप, उनसे रिलेटेड उनके जीन्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, कहां उनके जीन्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो सारी चीजें कहां आती है, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। तो रॉबर्ट कॉच, ठीक है,
एंड नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती है? ऐसी पर्टिकुलर जो है केमिकल्स, ठीक है, जो क्या कर दे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो. लेकिन लिविंग किस रेस्पेक्ट में? वो हमारे रेस्पेक्ट में नहीं, वो वायरस या सॉरी बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में. ठीक है, आपने भी सुना होगा ना, जब जब कोई पर्टिकुलर जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक्स, है ना. तो एंटीबायोटिक्स जो है, सबसे पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी. बाई चांस डिस्कवरी थी उसकी, कैसे बनाई थी वो हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में. ठीक है, तो एंटीबायोटिक के जो फादर है, दैट इज फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बहुत ही जो है यूजुअल क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट इज वायरसेस के बारे में किसने पढ़ा? आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, सॉरी सेकंड चैप्टर में ही है वायरसेस, वहां पे हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में. तो WM Stanley, ठीक है, WM Stanley. नेक्स्ट इज पैथोलॉजी. तो पैथोलॉजी में ही हमने बताया था किसी पर्टिकुलर डिजीज के जो एजेंट है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, उनकी स्टडी करना, सिम्टम्स को स्टडी करना डिजीज के, उसकी क्योर कैसे करनी है, डायग्नोस कैसे करना है, वो सारी चीजें पैथोलॉजी में आएंगी. तो पैथोलॉजी के फादर कौन है? रुडोल्फ विर्गो. नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के में जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो जनरली पूछे जा सकते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जहां पे हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, हमारे जो सीरियल और ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो सडनली एकदम से बढ़ गया था, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. वहां पे हमने जो है वीट की डिस्कवरी की थी, हेक्साप्लॉइड वीट की डिस्कवरी की थी. ठीक है, तो वो सब चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट में. तो ये सब कुछ था आपकी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से. वैसे तो बहुत कुछ करवाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, पर मैं वो सब नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल सा है. आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा. आपकी सभी की बुक्स में जो भी आपके पास रिफ्रेशर है वहां पे शुरू में ही आपको जो है कुछ बेसिक्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है उनके अंदर डिफरेंशिएशन और बहुत कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए. पढ़ के देखिए, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और रही बात आपकी सिलेबस की, तो कल से हम अपना जो है सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, और हमारा फर्स्ट यूनिट जो हम चूज करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 3. ठीक है, जिसमें हम 3 चैप्टर्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहला चैप्टर है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेकंड हम पढ़ेंगे वहां पे सेल डिवीजन, और थर्ड है बायोमोलिक्यूल्स. तो ये 3 चैप्टर हमें करने हैं. ठीक है, एक मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं 3 चैप्टर ये, और 22 चैप्टर है टोटल आपके सिलेबस में. ठीक है ना, और तो काफी लेंथी सिलेबस है आपका बायो का. तो अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा लेंथी नहीं है. ठीक है ना, और ज्यादा प्रेशर मत लो. प्रेशर किस चीज का है? मतलब कि पढ़ो पर डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो. ठीक है ना, प्रेशर नहीं लेना है, बस आराम से स्मूथली पढ़ो, और जो पढ़ते हो उसको कम से कम रिवाइज करो, और उसके एमसीक्यूज डेली सॉल्व करो. ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडेज. वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस फ्रॉम टुमारो. ओके.